बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के सिक्स लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। व्हाट इज़ कीबोर्ड? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? एनीथिंग ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर में कोई डाटा इंस्ट्रक्शन एंटर करे उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो कीबोर्ड से हम डाटा ही इंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो ये एक इनपुट डिवाइस है और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस। इट इज़ यूज टू इनपुट करेक्टर डाटा। इससे आप करेक्टर डाटा इंटर कर सकते हो, न्यूमेरिक डाटा, स्पेशल केस, लैंग्वेजेस इंटर कर सकते हो। द स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज क्वर्टे कीबोर्ड। जो एक आम कीबोर्ड है उसका नाम क्वर्टे कीबोर्ड होता है। क्यों होता है क्वर्टे कीबोर्ड? बिकॉज द फर्स्ट सिक्स लेटर ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड इज क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई। क्योंकि अपर रो में कीबोर्ड की ऊपर वाली रो में कीबोर्ड की ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले छह लफ्ज़ यही हैं, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई, तो इसलिए हम इसे क्वर्टे कीबोर्ड कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ हैं, इसमें मेन कीबोर्ड है, स्पेशल पर्पस कीज़ है। न्यूमेरिक कीज़ में तो आ जाता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। फंक्शन कीज़ में आ जाएगा F1 से लेकर F12 तक जो कीज़ हैं, जो बिल्कुल ऊपर होती हैं कीबोर्ड के, उसे हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। वो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। उनके हर कंप्यूटर में अलग फंक्शन है, क्योंकि हर कंप्यूटर के प्रोग्राम्स अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर्स अलग होते हैं, तो उनके फंक्शन हर कंप्यूटर में अलग हैं। मेन कीबोर्ड में आ जाता है आपका ABC वगैरह, ये आपका मेन कीबोर्ड है, यानी कि करैक्टर्स। स्पेशल पर्पस कीज़ में आपके शिफ्ट, टैब, एरो कीज़, ये सारी स्पेशल पर्पस कीज़ हैं। तो आज हम सबसे पहली की पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ द पार्ट ऑफ कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कीज़ एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर कीज़। अरिथमेटिक कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को, ये है अरिथमेटिक। तो न्यूमेरिक कीज़ में क्या क्या आ जाता है? एक तो आपकी नंबर्स वगैरह आ जाते हैं और ये अरिथमेटिक। दीज कीज़ आर यूजली लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द कीबोर्ड। ये कीबोर्ड के राइट साइड में होते हैं, और आजकल जो कीबोर्ड आ रहे हैं उनके ऊपर भी है ये। पहले जो कीबोर्ड थे उनके राइट पर होते थे और ऊपर नहीं होते थे, अब ऊपर भी है और राइट पर भी है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ नंबर्स हैं न्यूमेरिक कीज़ के, इनसे डिफरेंट फंक्शंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। वन, एंड। वन का मतलब है एंड। इससे क्या होगा? इन मोस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम, बहुत से प्रोग्राम्स में दिस की इज़ यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट लाइन और डॉक्यूमेंट। अगर आप वन को दबाते हैं तो ये करंट लाइन के एंड पर ले जाएगा, यानी कि जो भी आप लाइन लिख रहे थे उसके एंड पर ले जाएगा बिल्कुल, या डॉक्यूमेंट जो लिख रहे थे उसके बिल्कुल ही एंड पर ले जाएगा। दूसरा है टू। टू से ये नीचे की ये देख एरो दिखा रहा है। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर डाउनवर्ड। ये कर्सर को डाउनवर्ड ले आएगा एक लाइन। पेज डाउन, थ्री पेज डाउन है। दिस की इज यूज टू मूव द फुल स्क्रीन डाउनवर्ड, यानी कि बिल्कुल नीचे ले आएगा, स्क्रीन के बिल्कुल नीचे ले आएगा, बिल्कुल नीचे। जो टू था वो एक लाइन नीचे लेके आएगा, और जो थ्री है ये फुल स्क्रीन डाउनवर्ड ले आएगा, यानी कि बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा। फोर ये क्या कहते हैं, इसे लेफ्ट एरो दिखा रहा है। दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द लेफ्ट, लेफ्ट तरफ ले जाएगा कर्सर को, एक पॉइंट लेफ्ट ले जाएगा। फोर दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट, ये राइट की तरफ ले जाएगा एक कर्सर को। सेवन होम। इट मोस्ट प्रोग्राम दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द
बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन और डॉक्यूमेंट, सेवन होम है, यानी कि ये आपको आपका कर्सर कहीं भी होगा, अगर आप सेवन दबाते हैं तो आपका कर्सर जो है वो शुरू में आ जाएगा, बिगनिंग, बिगनिंग के अंदर शुरू में, ऑफ द करंट लाइन मौजूदा लाइन के या डॉक्यूमेंट के शुरू में आ जाएगा। एट, एट के वो अपर की दिखा रहा है, दिस की यूज टू मूव द कर्सर अपवर्ड, अपवर्ड एक लाइन ले जाएगा। नाइन, पेज अप, दिस की इज ऑपोजिट टू पेज थ्री डाउन, पेज डाउन थ्री की थी वो। अच्छा, पेज डाउन का मतलब था आपको फुल स्क्रीन नीचे ले जाता है, तो ये जो है नाइन पेज अप, ये फुल स्क्रीन अप ले जाएगा। जीरो इंस लिखा हुआ है, दिस की इज यूज टू चेंज द इंसर्ट मोड टू ओवरराइड मोड, इट इज अ टॉगल की, ये एक टॉगल की है, यानी कि मिलाकर दबाने वाली एक की है, ये पॉइंट है, इसे इसे हम डेल भी कहते हैं। दिस की यूज टू डिलीट कैरेक्टर और स्पेस टू द राइट ऑफ द कर्सर पोजिशन, ये कर्सर की पोजिशन से एक लफ्ज को डिलीट कर देगा। अच्छा, हमने कर्सर पढ़ा, तो कर्सर क्या है? कर्सर होता है ये, कंप्यूटर में एक ऐसी लाइन आ रही होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा राइजिंग स्टार, तो आगे ये कर्सर आ रहा है, ठीक है, और ये कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, कभी जलता है कभी बुझता है, कभी जलता है कभी बुझता है, ठीक है, ये है कर्सर। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हमने जितने भी पढ़े ये, उसमें वन था, टू था, थ्री था, फोर था, सॉरी वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फिर सिक्स, सेवन, एट, नाइन, जीरो, ये पॉइंट था, इसमें फाइव नहीं है, इसका मतलब फाइव का कोई काम नहीं है सिवाय करेक्टर लिखने के, फाइव नंबर ही लिखता है सिर्फ, और कोई इसका काम नहीं है। अल्लाह हाफिज़।